हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एमएस एक्सेल जॉब इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये क्वेश्चन अभी कुछ ही दिन पहले एक जॉब इंटरव्यू में पूछा गया था। सो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। फ्रेंड्स, हमारे पास एक अटेंडेंस ट्रैकर है जिसके फर्स्ट कॉलम्स में एम्प्लॉयज का नेम अवेलेबल है और इन नेम्स में से कुछ नेम डुप्लीकेट भी है। सेम टाइम पे नेक्स्ट कुछ कॉलम्स में उनका स्टेटस अवेलेबल है यस और नो में। सो यहां पर क्वेश्चन ये है कि हमें एम्प्लॉय के नेम वाइज उनके यस और नो का टोटल काउंट पता करना है। सो ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा? सो फ्रेंड्स, बिना टाइम गवाए हुए चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। मैं हूं सुनील रावत और आप देख रहे हैं ट्रेजर टुडे चैनल। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए सो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गाइज, हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमएस एक्सेल जॉब इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में। सो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारे पास एक डमी डेटा अवेलेबल है। सेम टाइम पे कॉलम ए में हमारे पास एम्प्लॉयज़ के नेम अवेलेबल हैं जिनमें से कुछ नेम डुप्लीकेट भी हैं। नेक्स्ट फाइव कॉलम्स में हमारे पास एम्प्लॉयज़ का प्रेजेंट डेटा अवेलेबल है जो कि सेग्रीगेट किया गया है यस और नो में। सो यहाँ पर क्वेश्चन ये है, हमें यहाँ पर एम्प्लॉयज़ के नेम के अकॉर्डिंग उनके यस और नो का सम चाहिए। सो ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा? सो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे सम प्रोडक्ट का। चलिए, सम प्रोडक्ट यूज़ करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सम प्रोडक्ट काम कैसे करता है। लेट्स से हमारे पास ये डेटा अभी एक अवेलेबल है जो कि एक स्मॉल डेटा है सेल्स का। यहाँ पर एम्प्लॉयज़ हैं और एम्प्लॉयज़ की सेल्स है और क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी उन्होंने सेल करी है और यहाँ पर उस प्रोडक्ट का प्राइस है। और अगर यहाँ पर क्वेश्चन आए नीड टोटल सेल्स अमाउंट ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़, मींस ऑल एम्प्लॉयज़ के जो टोटल सेल है वो चाहिए हमें यहाँ पर एक सिंगल सेल में। सो आप उसे कैसे ला पाएंगे? इन केस आप सम प्रोडक्ट के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ, सम प्रोडक्ट मल्टीपल कॉलम्स की एक साथ कैलकुलेशन कर सकता है और हमें हमारा रिजल्ट ला के देता है एक सिंगल सेल में। सो यहाँ पर अगर आपको सम प्रोडक्ट नहीं पता है तो सिंपली आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। आप यूज़ करेंगे यहाँ पर, लेट्स से आप यहाँ पर सम लिखेंगे, उसके बाद प्राइस ले लेंगे, यहाँ पर इसे मल्टीप्लाई कर देंगे अपने क्वांटिटी से। सो इस तरीके से आप करेंगे और उसके बाद आप सम करेंगे, यहाँ से आपका रिजल्ट आएगा। या फिर आप एक चीज़ और कर सकते हैं, यहाँ पर आप लिखेंगे इज इक्वल टू, अपना लेंगे प्राइस और मल्टीप्लाई करेंगे क्वांटिटी के साथ, एंटर करेंगे तब भी आपका रिजल्ट यहाँ पर निकल के आ जाएगा इन केस आपको सम प्रोडक्ट नहीं पता है तो। लेकिन अगर आपको सम प्रोडक्ट पता है सो आप लिखेंगे यहाँ पर इज इक्वल टू और टाइप करेंगे सम प्रोडक्ट। सम प्रोडक्ट हम यहाँ पर टाइप करते हैं और यहाँ पर लिखा रहा है अरे वन। अरे वन में हमें अपना फर्स्ट कॉलम का डेटा रेंज हमें सिलेक्ट करनी है। सिलेक्ट करने के बाद हमने इसे फ्रीज कर दिया F4 से। यहाँ पर अब हमें जो है मल्टीप्लाई का साइन यूज़ करना है। उसके बाद हमें कॉलम 2 का डेटा लेना है, सिलेक्ट कर लिया हमने और उसके बाद हम प्रेस करेंगे F4। रेंज हमारी जो है फ्रीज हो चुकी है और अब मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से ये यहाँ पर काम करने वाला है। सिंपली हम यहाँ पर प्रेस करते हैं F9। जब हम F9 प्रेस करते हैं तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पर फार्मूला बार में, यहाँ पर फर्स्ट जो आशीष ने सेल करी है टीवी की 5 क्वांटिटी सेल करी है, 30,000 पर क्वांटिटी का यहाँ पर प्राइस था। सो यहाँ पर वो टोटल सेल यहाँ पर निकल के आ गई है। देन सेकंड सेल यहाँ पर कविता की जो कि उन्होंने कंप्यूटर की सेल करी है। सो इस तरीके से उनकी सेल्स का जो है टोटल निकल के आ चुका है उनकी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग। बाद में यहाँ पर सम प्रोडक्ट इन सबको टोटल करने वाला है। चलिए एंटर करते हैं। जब हम एंटर करते हैं तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 6,50,000 यहाँ पर अमाउंट आ चुका है और ये सेम अमाउंट यहाँ से भी मैच कर रहा है। सो आशा करता हूँ आपको पता चल गया होगा सम प्रोडक्ट किस तरीके से काम करता है। सो सेम सम प्रोडक्ट हम यहाँ पर अपने आज के इस क्वेश्चन के आंसर में निकालने में यूज़ करने वाले हैं। चलिए यहाँ पर टाइप करते हैं इजिकल टू और लिखते हैं सम प्रोडक्ट। मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपका आंसर किसी और फॉर्मूले या फंक्शन से निकलता है, आपको आता है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं हमारे व्यूवर्स को
कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नॉलेज मिल पाए इस बारे में। सो यहाँ पर हम अरे वन में यूज़ करने वाले हैं, सबसे पहले एक ब्रैकेट और बिगिन करेंगे, और अरे वन में हम सबसे पहले लेंगे नेम को, नेम रेंज हमने सिलेक्ट कर ली। उसके बाद हम प्रेस करेंगे F4, F4 प्रेस करने के बाद हम लिखेंगे यहाँ पर इजिकल टू, और उसके बाद हमने यहाँ पर जो है अपना A15 का सेल लेना है जिसमें लिखा है आशीष, हमारा एम्प्लॉय का, फर्स्ट एम्प्लॉय का नेम। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, यहाँ पर लिखाएंगे मल्टीप्लाई का साइन, ब्रैकेट दोबारा बिगिन करेंगे, और अब हमें सेकंड रेंज लेनी है। सेकंड रेंज लेनी है हमें यहाँ पर यस और नो वाली, इसे भी हम यहाँ पर फ्रीज करने वाले हैं, और इजिकल टू करके लिखेंगे यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कोमा में यस को, क्योंकि पहला डेटा हम यहाँ पर फैच करने वाले हैं यस का, और यहाँ पर डबल ब्रैकेट से हम यहाँ पर इसको क्लोज कर देंगे। चलिए एंटर करते हैं। जब हम एंटर करते हैं तो इस तरीके से यहाँ पर रिजल्ट हमारा निकल के आ चुका है। सो मैं आपको बता देता हूँ, दिखा देता हूँ किस तरीके से इसने काम किया है। चलिए रेंज सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर प्रेस करते हैं F9 को। जब हम F9 प्रेस करते हैं तो इस तरीके से यहाँ पर रिजल्ट निकल के आ रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आशीष नेम का जो हमने पहला आंसर निकाला है फर्स्ट सेल का, सो फर्स्ट सेल में जहाँ पर भी आशीष और यस मैच हुआ है वहाँ पर ही आपको उस पोजीशन में 1 दिखा देगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं फर्स्ट सेल में यहाँ पर 1 आ गया है, देन 00 मीन्स नो था यहाँ पर, देन फोर्थ सेल में दोबारा यहाँ पर जो है 1 आ चुका है। उसके बाद आप देखिए जो नेक्स्ट आशीष यहाँ पर फॉल किया है वो क्या है, इसमें मीन्स इस वाले सेल में हमारे जो है 9th नंबर की रो में फॉल किया है, और जिसका नंबर है 21 से 24 तक का, 21 से 24 तक का जो डेटा है वहाँ पर ये आपको 1 उस पोजीशन में 1-1 एक साथ दिखाने वाला है। और टोटल यहाँ पर जो आशीष का यस का काउंट है वो है 6, 1-2 और उसके बाद यहाँ पर जो है 4 times 1 यहाँ पर मिल पा रहा है। सो यहाँ पर टोटल यहाँ पर आ चुका है 6। सो इस तरीके से हमने यहाँ आंसर निकाला है। चलिए अब बात करते हैं जो यहाँ पर नो का सम है वो हम कैसे निकाल पाएंगे। टाइप करते हैं दोबारा इजिकल टू और लिखते हैं सम प्रोडक्ट। सम प्रोडक्ट लिखने के बाद हम ब्रैकेट दोबारा बिगिन करेंगे, और यहाँ पर अरे वन, अरे वन में हम दोबारा यहाँ पर नेम ले लेंगे। नेम हमने सिलेक्ट कर लिया नेम रेंज को, और यहाँ पर हमने F4 से उसे फ्रीज कर दिया है। लिखते हैं इजिकल टू, और यहाँ पर दोबारा हम नेम को सिलेक्ट कर लेंगे, आशीष का जो हमारा नेम है हमने उसे सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ पर हम ब्रैकेट क्लोज करने वाले हैं, मल्टीप्लाई का साइन यूज़ करेंगे, ब्रैकेट दोबारा बिगिन करेंगे, उसके बाद हमें एक और रेंज लेनी है अपनी यस और नो की। रेंज सिलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पर F4 से फ्रीज कर देना है। फ्रीज करने के बाद हमें यहाँ पर इजिकल टू का साइन लगाना है। इजिकल टू का साइन लगाने के बाद हमें यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कोमा में हमें यहाँ पर नो लिखना है, क्योंकि इस समय हमें डेटा चाहिए नो का, और यहाँ पर डबल ब्रैकेट से हम इसे क्लोज कर देंगे और एंटर करते हैं। सो आप जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पर ये आंसर निकल के आ चुका है। चलिए अब देखते हैं कि किस प्रकार से ये आंसर आया है। रेंज सिलेक्ट करते हैं, और उसके बाद यहाँ पर प्रेस करते हैं F9। F9 जब हम प्रेस करते हैं तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पर रिजल्ट निकल के आ रहा है नो का, आशीष के नो का, वो आ रहा है सेल नंबर 2 and 3। आप जैसे कि देख पा रहे हैं 2 and 3 में यहाँ पर नो है, और उसके बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पर टोटल जो इनके नो का रिजल्ट आया है 1-1 में वो आया है टोटल 4 मीन्स 1, 2, 3 and 4। सो इस तरीके से आप जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पर 4 का नो यहाँ पर टोटल इनका आ चुका है। अगर सेम टाइम पे और रिजल्ट देखें तो इस तरीके से ये रिजल्ट यहाँ पर निकल के आ चुके हैं। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि सम प्रोडक्ट कैसे आप सम प्रोडक्ट का यूज़ कर सकते हैं, और किस तरीके से आप इसको एडवांस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए मिलते हैं आपसे MS Excel की नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। वंदे मातरम।